पप्पा जी मिलने का, प्लीज जाइएगा मत। मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैंने आपको फिर से परेशान किया, पर मेरे को ना खाली आपके 5 मिनट ही चाहिए। वैसे भी कल तो मैं चली जाएगी ना, प्लीज। ठीक है, जो बोलना है जल्दी बोलो। माई डियर वाइफी नुपुर जान, हम बड़े हो रहे हैं। जिस रिश्ते के पौधे को हमने साथ में प्यार से सींचा, वो अब पेड़ बन गया है। उस पे दुनिया का सबसे मीठा फल आने वाला है, हमारा बेबी। मैं तुम्हें कितना भी थैंक यू बोल दो ना, वो कम है, जितने की मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तुमने उससे ज्यादा खुशियां मुझे दी हैं, वो भी बिना मांगे। पर आज मैं एक चीज तुमसे मांगना चाहता हूं। मुझे पता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारा दिल इतना सच्चा है कि मुझे लगता है कि तुम दिल से प्रे करोगी ना तो वो सच हो जाएगा। तो पर किसी तरह मुझे एक बेबी गर्ल दे दो, हमारी बच्ची, हमारी जान, जिसका दिल, जिसकी रूह तुम्हारे जितनी सुंदर, जैसे रात और चांद के प्यार की निशानी चांदनी होती है, जैसे बिजली और बादल के प्यार की निशानी बारिश होती है, वैसे ही मिलिंद और नुपुर के प्यार की निशानी होगी हमारी बच्ची, हमारी पाया। जी को क्या हो गया बेटा? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत बरोबर नहीं लग रही है, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो इतना? हाय सर, आप और मिलिंद अंकल ये पूजा साथ मिलकर करते थे। इस बार आपको पूजा करता देख के ना मजा नहीं आ रहा। नहीं जम रहा है मेरे को लगा था मिली दंगल ना बढ़ के हुए, पर वो ना पूजा करने के वास्ते आ जाएंगे, पर वो नहीं आ रहे। मैं अकेलू नहीं हूँ, आप हो ना मेरे साथ।
और चीकू कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता है। जिस रिश्ते में जबरदस्ती होती है ना, तो रिश्ता नहीं मजबूरी होती है। हर बार अच्छी अच्छी बातें करती हो ना, पूरे मंदिर काय को नहीं करते अच्छी बातें? उनको भी करनी चाहिए ना अच्छी बातें, लेकिन वो नहीं करेंगे, नहीं करते वो। इस बार अगर मिलिंद अंकल नहीं करेंगे ना नुपुर आंटी, तो मैं उधर जाकर ना उनसे खुद बात करेगी। नहीं चीकू, आप कहीं नहीं जाएंगी, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। चीकू, मिलिंद से मेरा रिश्ता रहे या ना रहे, पर मैं इस रिश्ते को मजबूरी तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। चलो चीकू, बस पूजा के समापन का समय हो गया है, हम दोनों को मिलकर खीर खानी है। हाँ, आप और मैं मिलकर पूजा करके खीर खाते हैं साथ में। मंजे, इस साल आप और मिलिंद अंकल एक दूसरे को खीर नहीं खिलाओगे, आप इधर खीर खाओगे और वो उधर खीर खाएंगे अकेले अकेले। खुश रहो। मंदिरा, खीर का भोग मैं चढ़ा चुकी हूँ, पर पूजा का पुण्य तुम्हें भी मिलना चाहिए ना, इसीलिए सब में प्रसाद तुम बांट दो, ठीक? और मिलिंद को तो अपने हाथ से ही खिलाना, ठीक है? खीर तो बनानी थी पाए, पर आपके पापा ने ना अभी तक चावल नहीं भिगोए। खीर अब मैं खिला दूं? चीकू बेटा, प्लीज ये खीर खा लो, ऐसे सैड नहीं होते हैं ना, वैसे भी कल तो घर छोड़ के जाने ही है ना हमें। ये रांग है नुपुर आंटी, मिलिंद अंकल ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। चीकू प्लीज आप ये सब मत सोचो बेटा, आप अच्छे से खीर खाओ, हमने कितनी मेहनत से बनाई है ना। पकड़ो, मैं आरती देके आती हूँ। देवी माँ, इस घर ने, इस परिवार ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी सबका ध्यान रखना, अपनी कृपा हमेशा सब पे बनाए रखना। फिर भी आप सबका कितना ख्याल रख कर रही हो, हमेशा अच्छी बातें कैसे कर लेते हो आप? आप मेरे को सच्ची सच्ची बताना, आप भी चाची थे ना, मिलिंद अंकल इधर आए, आपके साथ खीर खाए और पूजा करें? नुपुर आंटी, ये तो मिलिंद की हैंडराइटिंग है। क्या वो आपको ये चिट्ठी किसने भेजी है? क्या लिखा है इसमें? आप इसे पढ़कर रो क्यों रही हो? डियर नुपुर, हम लोग धरती और आसमान की तरह हैं, जो हमेशा एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे से मिलते नहीं है। हाँ, बस कभी कभी नजर से बहुत दूर कहीं क्षितिज पे
एक दूसरे से मिलने का भ्रम पैदा करते हैं। यह ट्रेन की दो पटरियों की तरह है जिनके नसीब में एक दूसरे का साथ तो है पर एक दूसरे से कभी मिलना नहीं। हाँ बस कभी कभी जब वो अपना रास्ता बदलती हैं तो एक दूसरे से एक पल के लिए मिल जाती हैं, फिर से हमेशा के लिए दूर होने के लिए। हमारा रिश्ता आसमान के उस सितारे की तरह है जिसकी चमक तो हमें नजर आ रही है पर उसकी रोशनी उसके कई सालों के पूछने के बाद हमें दिखाई दे रही है। जो हमें दिख रहा है पता नहीं वो रिश्ता वो सितारा शायद है भी कि नहीं। मेरा यार बराना समझ लो उस क्षितिज पर आसमान और धरती के जैसे मिलने का एक लम्हे का भ्रम है तो पटरियों के जुड़ने का एक छोटा सा पल है और उस सितारे की वो रोशनी है जो पता नहीं शायद है अभी कि नहीं। फिर नहीं बनाई चल भूल रही है कि मेरा व्रत तुम्हें खीर खिलाने से टूटता है। क्वाइट हो गए अंकल, कुछ तो अच्छो अच्छो बोलो ना प्लीज। चीकू आप भी खीर खा लो बेटा। नहीं नहीं मेरे पास है ना, मैं बाद में खा लेगी, आप लोग खाओ। नहीं चीकू प्रसाद ही मना नहीं करते, खाइए इसे। हाँ थैंक्स मेरे यहाँ आने के लिए और साथ में खीर खाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। यार कामिनी मैंने ऐसा क्या कह दिया, बिना बोले मिलिंद कहाँ चला गया? वो कहना कि आज वो पूरा दिन ऑफिस में था पर कल बहुत सारी मीटिंग्स है उसकी, तो थक गया होगा तो शायद थोड़ी देर के लिए सो गया होगा अपने रूम में जाकर। मंदिरा सॉरी, मिलिंद बिना बताए चले गए इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, पर क्या करे वो बेचारे बोझ के मारे पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है, थक जाते होंगे। बात कुछ और ही है अब आंटी कामिनी, मुझे आप सब लोग आपकी फैमिली आपका घर बहुत पसंद है लेकिन मिलिंद वो आज भी कहीं उलझा हुआ है, वो अभी तक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। आई थिंक हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। नहीं नहीं मंदिरा ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही तुम्हें बता देती ना, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल सच में। अरे नुपुर उसकी एक्स वाइफ है, उसकी कहानी खत्म हो गई है, तुम्हें यकीन नहीं है? रुक मैं अभी मिलिंद को बुलाकर लाती हूँ। तुम जा रही हो? 5 दिन बाद तो जाने ही ना मिलूं, कल जा रही हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हारे हाथ क्यों गर्म है? हो नुपुर तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है,
नहीं कुछ भी नहीं मुझे, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी है इसकी वजह से। नदी किनारे सांप है, चोरी करना पाप है और झूठ बोलना भी पाप है नुपुर आंटी। मिलिंद अंकल, आज सुबह से ना इनकी तबीयत बिल्कुल बराबर नहीं है। मैंने बोला डॉक्टर के पास चलो दवाई ले लो, तब भी मना कर दिया। आपको तो मालूम है आपकी पत्नी कितनी जिद्दी है ये। नुपुर, तुम्हें दवाई और आराम की सख्त जरूरत है इस समय। ना 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 ना, ना मिलिंद अंकल, वो तो नहीं हो पाएगा। मतलब कल जाना है, किधर जाएंगे, किधर रहेंगे, उसका तो कुछ प्लान ही नहीं है ना, तो आराम का तो कुछ चांस ही नहीं है, है ना नुपुर आंटी? क्या है नुपुर, यहाँ तुम बता नहीं सकती थी मुझे एक बार भी कि तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम बिना थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा। मैं घर जा रहा हूं, घर से खाना लेकर आ रहा हूं। तुम खाना खाओगी, दवाई खाओगी और आराम करोगी, समझे तुम? नहीं मिलिंद, उस घर के खाना तो दूर की बात है, मैं एक निवारा तक नहीं लेने वाली हूं। पर मेरी बात समझो सर, तुम उस घर को अपना समझो ना समझो, वो घर अब भी तुम्हारा है। मेरे समझने या न समझने से क्या होता है मिलिंद, मैंने तो हमेशा उस घर को अपना समझा है, पर वहां पे मैं सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ। उसने तो 30 दिन पूरे भी नहीं हुए मुझे वहां से निकल जाने के। तुम अपना हक समझती ना उस घर पे, तो मना कर सकती थी, कह देती मेरा हक है, मैं नहीं जाऊंगी। जो सच में अपने होते हैं ना मिले, उनको हक जताने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां से काम हो जाता है। अपनों के साथ तो लड़ाई वैसे इतनी नहीं की जाती नूपुर, प्यार से काम हो जाता है। नूपुर, तुम अभी कभी घर चलोगी, बस तुम वहीं आराम करोगी, बस मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूं। उसके लिए तुम्हें मुझे बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि होश में रहते हो तो मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखने वाली कुछ भी हो जाए। नूपुर, क्या जिद है तुम्हारी? तुम्हारी जिद की वजह से हमारे रिश्ते में गड़बड़ हो रही है, हमारे रिश्ते में चीजें खराब होती हैं हर बारी। इनका तो फुल बातों का डिशुम डिशुम चालू है, देखते हैं कौन जीतेगा। मिलिंद, बस एक जिद ही बची है मेरे पास, अगर ये भी चलेगी ना तो मैं खत्म हो जाऊंगी पूरी तरह से। तो तुम ठान चुकी हो ना कि तुम घर वापस नहीं जाओगे? नहीं, उस घर में तुम्हें कभी कदम नहीं रखूंगी कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो तुम करना चाहती हो तुम करो, और जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगा। मैं नहीं जाऊंगी वहां पे कुछ भी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।